This is Manveen Kaur and you're watching me on Vision News. Hi Manveen, welcome to the Vision News. Hi, thank you so much. I am Manveen Kaur and I am an anchor, actor and model. आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं बिकॉज देर आर सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में मैं खुल के तो नहीं बता सकती, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू. पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बींग अ गर्ल आई रियली वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल कि यू नो, बहुत सारी लड़कियों को ऐसा फेस करना पड़ता है कि घर वाले मिडिल क्लास से हैं, है ना, आपको आगे जाना नहीं देते. एंड मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि लोग बोलते हैं ना कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं इसी फील्ड में आ गई. मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स हूँ मैं और उसके बाद मैंने इस फील्ड में आने का फैसला किया. अब आई हैव नेवर डन एंकरिंग इन कॉलेज, बट आई वॉज अ स्टेज किड. मतलब जो भी कुछ होता था, चाहे पोइट्री हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, मैं हमेशा करती थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द फील्ड विच इज़ रिलेटेड. वो मैं सबको भी ये भी बता रही थी कि यू नो, जैसे गूगल पे एक लोकेशन डालते हैं ना और उसके चार पांच रस्ते होते हैं, पर वो जा एक ही जगह रहे हैं. इट्स ऑलरेडी गोइंग टू द एंटरटेनमेंट फील्ड. सो बेसिकली आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टू एंकरिंग, एक्टिंग एंड मॉडलिंग. तो वो जो रस्ता है एंकरिंग का, वो उसके थ्रू ही निकलता है, मुझे ऐसा लगता है. आई एम नॉट लर्निंग, बट कोई भी अगर वर्कशॉप आती है, लाइक मैंने कुछ थिएटर वगैरह नहीं किया है, बट अगर कोई भी वर्कशॉप आती है डेफिनेटली अटेंडेड. एंड मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं एक्टिंग में, जैसे कि MH1 पे क्राइम सीरीज है, वो किया है मैंने. देन PTC बॉक्स ऑफिस पर शॉर्ट फिल्म है पंजाब नाम से, उसमें मेरा रोल है. देन आई हैव डन अ रियलिटी शो ऑन Amazon Prime ऑल्सो. एंड देर आर सम फ्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आपको पता चलेगा 6 महीनों में. अगर आप एक बार आ जाते हैं तो यू गेट अ चांस टू मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स. हाँ जी, आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने शुरू. हाँ जी, डेफिनेटली मिल रहे हैं, बट इट्स ऑलवेज अबाउट द सिलेक्शन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि द प्रोजेक्ट. हाँ, वही मैं बोल रही थी कि द प्रोजेक्ट्स यू चूज़. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने शॉर्ट फिल्म करी थी, इट वाज अ वेरी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट. जैसे उसमें था कि पंजाब में लोग शादी करके दे गो अब्रॉड एंड यू नो, पीछे लोग रह जाते हैं. सो दैट वाज द वन थिंग जो मुझे टच करी पर्सनली. तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आएंगे तो डेफिनेटली आई विल डू दैट. एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स. अभी आई एम जस्ट चूजिंग कि क्या क्या हम कर सकते हैं. सिंस यू नेवर हैव लर्नड एक्टिंग लाइन, है ना, एक्टिंग no. में कुछ नहीं सीखा, no. तो कैसे एक्टिंग में आना हुआ? आई विल टेल यू, इट हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैंने एक कोरियोग्राफी करी है बीच में 2-3 साल, एंड आई वॉज असिस्टेड अरविंदर खेरा ऑल्सो, डिम्पल पुलर सर ऑल्सो, एंड बहुत सारे सॉन्ग्स कोरियोग्राफ करके आप जब कैमरे के पीछे होते हो ना, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डायरेक्टर्स, कि उनको क्या चाहिए, उनका विजन क्या है. यू सी स्टार्स वर्किंग इन फ्रंट ऑफ यू, प्लस एज यू नो कि मैं बहुत सारे स्टार्स का इंटरव्यू भी लेती रहती हूँ. सो यू नो, ऑब्जर्वेशन इज द स्किल. हाँ, सो ऑब्जर्वेशन स्किल इज द मस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली थिएटर भी ज़रूरी है, एक्टिंग क्लासेस भी ज़रूरी है, बट अगर आप अपना अपने सेंसेस, अपना दिमाग खोल के ऑब्जर्व करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपको हेल्प करता है. और हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली जब भी मुझे कुछ ऑडिशन का मौका मिलता है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो दिल्ली हो, आई डेफिनेटली गो. तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप वर्क ऑन कर रहे हो ताकि आपको काम मिल सके? मैं बेसिकली अब फोकस कर रही हूँ एक्टिंग और मॉडलिंग पर ही. एंड मुझे लगता है एंकरिंग तो मेरी साथ साथ चलती रहती है, बिकॉज चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग एंकरिंग तो कर ही रहे हैं. वो भी आईफा होस्ट कर रहे हैं, वो भी कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं, है ना. सो ऑल दीज फील्ड्स आर इंटरकनेक्टेड. तो मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा मेरा एक प्लस पॉइंट रहेगा. अगर मैं आज आपके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, तो वो भी एक एंकरिंग का ही देन है, मुझे ऐसा लगता है. सो आई थिंक इट हैज़ build up my confidence, और मैं वो हमेशा करना चाहूँगी. People who wants to come into anchoring line, what do you want to suggest? Honestly, you just need to have that confidence. और मेरा जब भी कॉन्फिडेंस लो होता था, किसी ने मुझे एक बात बोली थी दैट देर इज़ अ रीज़न दैट लोग स्टेज के नीचे हैं और आप स्टेज के ऊपर. सो आई थिंक जस्ट रिमेंबर दैट कि आप कहाँ खड़े हो और आप क्यों खड़े हो. जो ये पंजाब मूवी थी, इसमें मेरा लीड रोल था. अच्छा. हाँ, 3 मेन कास्ट में से मेरा लीड रोल था इसमें. और जो डेटबाजी है, जो मैंने Amazon Prime पर किया, इट वॉज़ अ रियलिटी शो, इट वॉज़ ऑल्सो होली डेडिकेटेड टू मी ओनली. तो प्रोजेक्ट्स तो चाहे देखो सेकेंड लीड हो, कैरेक्टर रोल हो, चाहे मेन लीड हो, है ना, तो आपको वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. ज़रूरी नहीं है कि मुझे यही करना है या मुझे वही करना है. आजकल एक छोटी सी अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल एनिमल मूवी में बॉबी देओल की एक 15 मिनट की अपीयरेंस जो थी, वो पूरी मूवी को हाईलाइट कर गई, है ना. तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम. हाँ जी. सो इट्स लाइक, इट्स नॉट अबाउट कि आपको मेन लीड ही चाहिए, इट्स अबाउट आपको क्या सिग्निफिकेंट करना है. एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो वो चाहे कैरेक्टर रोल हो, चाहे वो सेकेंड लीड हो, चाहे मेन लीड हो. व्हाट अबाउट कोरियोग्राफी? आपके में डांस
थैंक यू. बचपन में मतलब आई यूज टू गो टू माई हॉबी क्लासेस, तो बचपन से ही थोड़ा बहुत तो चलता आ रहा है. बेसिकली कोरियोग्राफी का मौका मुझे लगता है कि अब मैं शायद कोरियोग्राफ नहीं करना चाहूँगी, बट अगर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का अगर मुझे मौका मिले जस्ट टू लर्न मोर, बट ऑब्वियसली अब फोकस थोड़ा फ्रंट फुट पे आने का है कि खुद पे काम करके थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आया जाए. बट हाँ, अगर किसी बहुत अच्छे डायरेक्टर को अगर असिस्ट करने का मौका मिले तो ऑलवेज अ लर्निंग किड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू सो मच. हाई, दिस इज मनवीन कौर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन विजन न्यूज़. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.